तो सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी नई मूवी आई है जो बहुत ही अच्छी चल रही है, ट्रेंड पे आएगी, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका ये मूवी बनाते टाइम और को-स्टार्स के साथ? एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स हर प्रोजेक्ट का अच्छा ही होता है मेरा, और इसका भी बहुत ही अच्छा था क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इसका प्री कर रहे थे, और हम रेकी के लिए नैनीताल भी गए थे, गोवा भी गए थे, फिर एंड में हमें समझ में आया कि इधर उधर जाने से अच्छा अलीबाग ही कर लेते हैं, उसको गोवा दिखा देते हैं, और वो आउटपुट भी ऐसे आया कि वो गोवा ही दिखाए। और पहले हम दिल्ली में प्री किए इसका, फिर यहाँ पे किए प्री, फिर फाइनली जब अलीबाग कंफर्म हुआ लोकेशन जो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट से, देन वी स्टार्टेड शूटिंग हियर ओनली। सो इट वॉज वी शॉट दिस फिल्म इन 13 डेज, प्रॉपर फीचर फिल्म, 13 दिन का शूट था हमारा ये, और प्री हमने काफ़ी अच्छा प्री किया था, लॉन्ग प्री किया था, और पोस्ट में भी हमने काफ़ी वक्त लगाया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि पहली फीचर फिल्म है मेरी, और थोड़ा सा टेंशन भी था कि काफ़ी चीज़ का टेंशन रहता है, एक तो एक्टर्स की परफॉर्मेंस का, अपने डायरेक्शन का, प्रोड्यूसर के पैसे का, और सेट पे सबका ख्याल, किसी को कुछ बुरा ना लगे, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे वो स्पॉट में हो, या चाहे वो कोई भी एक्टर हो, तो ये सब मैनेज करके चलना, आई थिंक नॉट फॉर मी, फॉर ऑल दी डायरेक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री इज वेरी टफ, बट समहाउ इट्स वेरी फन। आपका एक्सपीरियंस कैसा था इसमें? मेरा एक्सपीरियंस फ्रेश बोलूंगा मैं इसके लिए, बिकॉज कहानी नई थी, मैंने कभी मर्डर मिस्ट्री पे इससे पहले ऐसा काम नहीं किया। दूसरा ये एक 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 मेरे लिए प्रोफेशनल सेटअप तो था, लेकिन उससे ज़्यादा एक एक कंफर्ट लेवल मेरा ज़्यादा था, बिकॉज सौमित्र के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, मेरे कुछ और को एक्टर्स जो थे इसमें अजितेश, सिमरन, इन सब के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ। सिमरन तो और मैं तो सेम कॉलेज में थे, तब से जानता हूँ उनको, तो प्लस सौमित्र के साथ एज एन एक्टर इट्स अ डिलाइट टू वर्क विद सौमित्र, बिकॉज सौमित्र गिव्स एम्पल एरिया टू हिज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस कि आप खेलिए, मतलब बहुत कम एक्टर्स हैं, मोस्टली बहुत कम डायरेक्टर्स हैं, मोस्टली डायरेक्टर्स को जैसा वो चाहते हैं वैसे ही चाहिए होता है, बट इनको भी ऐसे ही चाहिए होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं एक लाइक माइंडेडनेस है, एक ट्यूनिंग है जो मैच करती है, कंफर्टेबिलिटी है कि मेरे को पता है इनको क्या चाहिए, इनको पता है इनको मेरे से क्या चाहिए, एंड अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये गिरीश मैंने बहुत सही बात बोली कि बहुत लाइट माइंडेड है, मतलब इतने हेक्टिक शेड्यूल में हमने 13 दिन में ख़त्म किया, और इतने बेहतरीन तरीके से टांग खिंचाई करते हुए हमने शूटिंग ख़त्म की है, हंसी मस्ती मजाक सब कुछ, मतलब मुझे अल्टीमेटम दिया जाता था कि अमित एक शॉट ख़त्म करना है, नहीं तो सीन काट दूंगा, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड, बहुत बहुत मज़ा आया, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सर आपने ऋतुराज सर जी के साथ काम किया है, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके फैंस उनके बारे में ज़रूर कुछ जानना पसंद करेंगे ऑन सेट। ऋतुराज जी के साथ मैंने 3 फिल्में करी, एक शॉर्ट फिल्म जो पहली शॉर्ट फिल्म उनके साथ करी थी, मतलब टेंगली मेरी दूसरी थी, बट ऋतुराज सर के साथ पहला काम था मेरा, पेनफुल प्राइड जो जियो पे है, और उसमें पल्लवी जोशी मैम जी हैं। सेकंड मैंने करी थी हाउस ऑफ लाइज फीचर फिल्म, फिर एक करी थी मैंने हुकस बुकस, और इन तीनों फिल्म में ना उनका मेरा जो रिलेशन था एक बहुत अच्छा दोस्ती का बिल्ड हो गया, शायद मेरे स्कूल और कॉलेज के दोस्तों से इतना बिल्डअप नहीं हुआ था जितना ऋतुराज सर के साथ हुआ था। फन लविंग गाय, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी यू नो आप एक फैमिली की तरह रहना, वो कहते हैं ना कि आप मेरे फैमिली जैसे हो, उनके लिए हम जैसे थे नहीं, हम फैमिली ही थे, और हमारे लिए भी वो, ही वॉज लाइक बिग ब्रदर टू मी, ही वॉज लाइक माई फ्रेंड टू मी, एंड हम अपना सैडनेस भी शेयर करते थे, स्पेशली मैं, और वो अपनी खुशी भी हम शेयर करते थे, सजेशन भी देते थे और लेते भी थे, तो वो हम वैसे कहीं भी मिलते थे, मतलब वो ये पास में ही रहते थे परसुआ में, तो बहुत बार हम टकराते थे, तो वो जिस तरीके से मिलते थे ऐसे ऐसे यहाँ पप्पियाँ देते थे हम लोगों को, तो ही इज़ लाइक वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन विच आई हैव लॉस्ट, बट सम हाउ ही इज़ देयर, ही इज़ विद मी, ही इज़ विद अस, ही इज़ विद द फिल्म, ही इज़ विद हिज फैमिली, ही इज़ एवरीवेयर। बहुत ही कमाल के इंसान थे, मतलब बहुत कम समय मिला उनके साथ बिताने का, और मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे मुझे,
हाथ में ब्लैक कॉफ़ी लेके कंधे पे हाथ रख के देख हमें पैसा है वैसा है, मतलब वो पूरा एक्सपीरियंस वो जितने कम समय में उन्होंने मुझे शेयर किया, वाकई मतलब वो है अभी मेरे जहन में है, मेरे दिल में है और हमेशा रहेगा, और उनके लिए रिस्पेक्ट और प्यार हमेशा। मैं डायरेक्टर जी से पूछूंगी कि भी जब भी आप जर्नी स्टार्ट करते हो एज अ डायरेक्टर, तो आपको सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम एक्टर का तो होता है, बट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उनका भी रहता है। बट बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड में ऐसी भी हुई है कि भाई आधी बंद हो गई है क्योंकि प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर मतलब इन्वेस्टर्स नहीं रहे, तो आपको भी कुछ इसी तरह की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है? हुई है, बट भाई मुझे लगता है कि ये मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि अगर कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो वो बननी है, आज नहीं तो कल, एक साल नहीं तो दो साल, दस साल, बीस साल बाद, मैं नहीं तो कोई और बनाएगा, अगर स्क्रिप्ट लिख गई तो वो बनेगी। अब वो बनने के बाद उसकी किस्मत है। हम लोग कहते हैं कि कास्टिंग हम जो करते हैं वो हम कास्ट किए, हमने कास्ट किया, डायरेक्टर ने कास्ट किया, कोई कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्ट किया, स्क्रिप्ट अपने एक्टर्स अपने कैरेक्टर को चुनती है। इस फिल्म से पहले मैं 35 एक्टरों के पास गया था, फाइनली मुझे संजय सर मिले, जो मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि संजय कपूर साहब क्यों करें पहली फीचर फिल्म में। सेम नसीर साहब ने मेरी पहली शॉर्ट फिल्म में हाँ कहा था। तो ये ना हर एक स्क्रिप्ट की अपनी एक लाइफ है और अपने ही एक उसका है, मैंने नहीं चूज़ किया इनसे, मैंने कास्ट नहीं किया, वो स्क्रिप्ट नहीं किया। बहुत बड़ा चैलेंज था ये। और खैर उस वक्त क्या था कि एक्टर्स अपना काम करते हैं जाते हैं, ईपी अपना काम करते जाते हैं, सेट पे जो लोग हैं कॉस्ट्यूम सब अपना काम करके जाते हैं। एक फिल्म को बनाने से रिलीज तक का जो सफ़र है ना, आई थिंक वो सिर्फ एक डायरेक्टर के, और नहीं है तो मेरे लिए तो है, क्यों मैं ही इसको लेके गया हूँ, मैं ही इसको अप्रोच किया है। बहुत लोग का मैंने सपोर्ट चाहा, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जो नहीं हुआ, कुछ अलग निकले, विद सेवेरिया पिक्चर्स आए पिक्चर में, उन्होंने हेल्प करी, डिस्ट्रीब्यूट करवाया। मुझे लगता है फिल्म मेकिंग बनाना इज़ इजी, बट उस फिल्म को पब्लिक तक पहुँचाना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट। आप अब ये देख हालत देख लो, मतलब मैं रात भर नहीं सो पाता था कि यार ये फिल्म बनाई है, सबका काम है, सबका एक अच्छा प्रेजेंस है फिल्म में, और मेरा भी नाम है, और प्रोड्यूसर की पहली फिल्म है, जो नहीं रहे वो होते तो शायद अलग चीज़ होती, बहुत सारी चीज़ें थी। बट फाइनली एट द एंड कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो फिल्म रिलीज़ हो गई तो अब वो सब स्ट्रेस आप दिमाग में नहीं आता कि यार मैंने ये किया, मैंने इतना किया, कोई नहीं था, वो नहीं था। पहले बोलूं मार्केट में सच क्या चल रहा है सबसे पहले तो नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं झूठ जो चल जाए वो तो है, मैं उससे पहले बोल रहा हूँ मार्केट में वो सच क्या चल रहा है। आई नो झूठ ही चल रहा है, पर अब तो आप लोग जवाब दो, मैं सोचूंगा मैं। नहीं, कब क्या चल जाए ये सच में किसी को नहीं पता होता। नहीं नहीं, अपने पूनम पांडे बोली, पूनम पांडे हो गया उस पे, वो झूठ बोला नहीं, तुम बाहर हो पूनम पांडे से यार, ये अपने बारे में ऐसा कुछ झूठ बोलो जो ऐसे अफवाह और आपको फायदा हो, ऐसा कुछ सवाल है? नहीं ऐसे चीजें सोचा नहीं है जो संजय कपूर सर ने रिकमेंड करी थी मुझे टू मेक दैट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो एक आध ऐसे इंटरव्यू हुआ, मैं शायद अपने दोस्तों लोग से बात कर रहा था कि वे इज योर एंड सिनेमा, मैंने कहा था शाहरुख के साथ जिस दिन फिल्म कर लूँगा, शाहरुख खान साहब के साथ जिस दिन फिल्म कर लूँगा वो एंड है, तो उससे ऊपर है नहीं कोई। फिर वो फिल्म ख़त्म करके बुरे अवस्था बांध के कहीं हिमाचल उत्तराखंड में जितनी पिक्चरें बनाई हैं रोज फ्राइडे शो टाइम रखूँगा, चाय मैगी खिलाऊँगा सबको और फ्री में दिखाऊँगा,
तो वो एंड है, शाहरुख खान साहब के साथ एक फिल्म करना, भले शायद वो नेक्स्ट फिल्म ही हो जाए उसके बाद नहीं, नो फिल्म, फिर सिर्फ एंजॉय। ओके, एनीथिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आपकी कोई नई फिल्म? फिल्म्स लाइनअप्स काफ़ी हैं और एक दो इन्वेस्टर्स प्रोड्यूसर्स भी ऑन बोर्ड हैं, एक्टर्स भी ऑन बोर्ड हैं, लेकिन मैं अभी वो रिवील नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है जिंक्स हो जाता है जब तक कुछ होना, क्योंकि इस फिल्म में बहुत ऐसा हुआ है कि ये OTT ले रहा था, ये ले रहा था, लेकिन मैं सबको गाने लगा खुशी में, रह नेटफ्लिक्स ले रहा, नेटफ्लिक्स ले रहा, बट नेटफ्लिक्स से कभी कोई एग्रीमेंट आया नहीं तो वो जिंक्स नहीं है, बट हाँ है ऑफकोर्स, मैं आया हूँ उधर फिल्म करने, फिल्म बनाने, तो और भी हैं। हाँ, मैं कुछ जॉनर बता सकता हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो मैं सोच रहा हूँ वो है रोम कॉम, एंड इट्स अ ओल्ड स्कूल लव स्टोरी विद यंग कपल एंड ओल्ड कपल्स, मज़ेदार है, और एक हेलुसिनेशन के ऊपर है और एक रिवेंज स्टोरी है, तो ये तीन है इस साल की लाइनअप मेरी, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आयुष्मान खुराना, थैंक यू सो मच। नहीं, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी जो मेरा डेब्यू था इस इंडस्ट्री में एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर, वो सौमित्र के साथ ही हुआ, बिकॉज हम लोगों की ऐसी चाइल्ड पर मुलाकात हुई थी, मैं नसीर सर का मुरीद हूँ, इन्होंने भी, कौन नहीं है एक्चुअली, तो इनकी पहली फिल्म नसीर सर के साथ थी, इन्होंने मुझे बताया, तो मैं पीछे पड़ गया, मैंने कहा मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, और बना के दिया, इनको अच्छा लगा, तो वो है। फिर लॉकडाउन में मैंने दो लंदन की फिल्म्स हैं उनमें दिया है, तो वो भी वहाँ पर अभी फिल्म फेस्टिवल्स में काफ़ी चल रही हैं, वो दिया है, आगे मैं अपने सिंगल्स निकालने वाला हूं। मैं आपको ये एक और फैक्ट बताता हूँ, इस फिल्म में गाना नहीं था, अगेन गाना चाहिए ही नहीं था, ये इनका तोहफा है एक्चुअली, वो तोहफा इसीलिए भी है बिकॉज एक मेरी डेट फंस गई थी किसी कारणवश, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से शूट आगे पुश हो गया था, और मेरी आगे की कमिटमेंट थी और मैं नहीं छोड़ सकता था वो, और मेरे को लग रहा, और ये इनका थोड़ा सा मेरे को लग रहा था मूड ख़राब, और ये पहली बार मैं इतना लंबा एक शूट पर निकला था, और कभी मैं लंबा निकलता हूँ शूट पर तो इतना गिटार के बिना नहीं रह सकता, मैं लेके गया था, मैंने कहा चलो इनको गिफ्ट देते हैं एक बार, क्या पता मूड अच्छा हो जाए, तो मैंने इनको बुलाया, कह रहे नहीं नहीं गाना सुना रहे तो नहीं, मैंने कहा सुन तो लो एक बार, नहीं मेरे को पता है अच्छा लगेगा, लेना पड़ेगा मेरे को, आपने पहले भी ऐसे ही किया था, मैंने कहा अच्छा सुन लो, नहीं होगा तो फेंक देना, सुनाया बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं है स्पेस। फिर जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं इति गुप्ता, उन्होंने सुना, उन्होंने फिर अपने जो उनके प्रोड्यूसर साहब उनके फादर हैं उनको सुनाया, और उन्होंने बोला रखो जब प्रोड्यूसर साहब कह दिया तो फिर हम क्या मजबूर लोग लेना पड़ा, बट वो बहुत अच्छा गाना निकला, सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे है, चालबाजी जी म्यूज़िक ने उसको रिलीज़ किया है, और मैं बस यही मैं कहूँगा, प्लीज़ फिल्म देखिए, अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, एक हम सबकी मेहनत है, थोड़ा सा एफर्ट है, मेरी पहली फिल्म है House of Lies on Z5, watch for free. Thank you. Thank you.